हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? कोई भी हो, बहुत अच्छे रहना हो कि एक्चुअली ये मसूर का दाल है। मसूर का दाल को मैंने सिलपट्टा में पीस लिया। इसमें मैंने लहसुन पीस के ही डाला और प्याज काट के डाला। ओके, गरम मसाला, मैगी मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। ओके, एक्चुअली ठंडा पड़ गया ना, चाय के साथ पकौड़ा तला। ओके, आप भी ताली है इस टाइप का, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मैंने मंदाज कर रखा, बहुत टेस्टी बनता है। एक्चुअली मसूर का दाल है ना, अरे यार काशी हो गया, बातें नहीं कर। आप कोई भी रहना, मसूर का दाल भिगा के पीस के पकौड़ा जरूर तलिए, आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार खाने के बाद दोबारा दिल करेगा। प्याज और लहसुन जरूर मिलाना, हरा धनिया तो नहीं मिलाया मैंने। एक्चुअली मैगी मसाला, नमक और गरम मसाला और हल्दी धनिया पाउडर मिलाया। ओके, अब इस टाइप का करकरा पकौड़ा बनाना और चाय बनाना। ओके, कॉफ़ी व चाय बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिए, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। ओके, दाल को मैं बिल्कुल मिही नहीं पीसा, देखो दिखाई दे दिया दाल। ओके, ठंडा की मजा लीजिए चाय कॉफी के साथ दाल का पकौड़ा। बेसन का तो हर कोई बना लेगा, दो मिनट में बन जाता है, लेकिन दाल को मेहनत लगता है। ओके, इसलिए आप भी कोई भी रहना, ट्राई जरूर करना, आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार खाने के बाद आप लोगों को दोबारा दिल करेगा। ओके, आप सब्जी भी बना सकते हो, आलू डाल के लंबे लंबे आलू काट दिया, अरे इसके साथ सब्जी बना सकते हो। ओके, इसलिए आप कोई भी रहना, ट्राई जरूर कीजिए, आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। ओके।